तो हेलो फ्रेंड्स, आ गया मैं एक और नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप इस टाइम पे मेरे स्कोर वगैरह देख ही सकते हो, 44,215 हो चुका है। और करंट रैंकिंग देखोगे तो इस टाइम पे मैं ग्रैंड मास्टर रीजन पे 65 नंबर पे चल रहा हूँ। बाकी वही अगर बात करें हम लीडर बोर्ड की, तो यहाँ पे देखोगे तो मैं सोलो रीजन बीन्स पे 1282 भुइया के साथ टॉप 2 नंबर पे चल रहा हूँ। और इसके साथ ही साथ अगर एलिमिनेशन में देखोगे, मतलब की किल्स में, तो इस टाइम पे मैं टॉप 5 नंबर पे चल रहा हूँ। बाकी अभी चलो आपको मैं वेपन ग्लोरी भी दिखा देता हूँ। वेपन ग्लोरी का लीडर बोर्ड यहाँ पे देखोगे तो M14 में मैं टॉप 5 नंबर पे आ चुका हूँ। 4 जाने ही वाला हूँ, देख सकते हैं थोड़ा सा स्कोर का गैप है एक गेम में, तो ये तो कवर ही हो जाएगा, मतलब टॉप 4 के अंदर आ जाऊंगा समझो। और उसके बाद अदर्स में जाके इधर मिनी लॉन्चर चेक करोगे तो इस टाइम पे मैं टॉप 8 नंबर पे चल रहा हूँ। और टॉप 7 में जाने के लिए मुझे 200-250 स्कोर और प्लस करना है, उसके बाद टॉप 7 में मैं आ जाऊंगा। बाकी यहाँ पे और कितने लोग है देखते हैं। ओके, फंटू गेमर भी पुश कर रहा है भाई इसमें, तो लेवल सबके निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो इंडिया पे टोटल 24 लोग ही आ पाए हैं यार, मतलब कितना ज्यादा टफ है भाई इसमें ग्लोरी पुश करना। 100 प्लेयर भी नहीं है यार, इसी बात से अब अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा मुश्किल है इसमें ग्लोरी प्लस करना। या, या, या। तो फिर आ जाओ, अभी मैं आपको सीधा गेम के अंदर ही लेके चलता हूँ। ओके, तो चलो यार, ये रहा आज का हमारा पहला मैच, जिसमें मेरा किल देखोगे तो इस टाइम पे मेरे 5 किल हो चुके हैं। अभी अभी एक बंदे को मैंने टपकाया है और इस वाले बंदे से मेरे को मिल गया मिनी लॉन्चर। भाई काफी देर से मैं ढूंढ रहा था भाई, ये गन ही नहीं मिल रहा था यार, लेकिन अभी मिला है तो इससे किल करने का भी ट्राई करेंगे। अगर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो भी क्या ही कर सकते हैं भाई। वैसे मेरे पास 3 ही एमओ है, मतलब वो गन में जो एमओ था वही है बस है। तो अभी ना सामने के साइड पे चलते हैं क्योंकि जोन आ रहा है पीछे से। अरे भाई ये क्या हो गया यार, ऐसा तो मैं नहीं चाहता था भाई। अच्छा हुआ कोई बंदा मेरे को देखा नहीं तो मेरे को फिनिश कर सकता था भाई। हेल्थ काफ़ी ज़्यादा मेरा डाउन हो चुका था और मैं ना ये टावर के ऊपर जाना चाहता था क्योंकि यहाँ से एक परफेक्ट व्यू भी मिलेगा, गाड़ी वालों से बच भी सकते। वैसे इस गेम में गाड़ी तो नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी इधर मैं आ गया क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा व्यू मिलेगा मेरे को। तो अभी ना सबसे पहले तो इन तीनों बंदों का लोकेशन देखते हैं भाई। मैं भी एक बंदा राइट साइड में, क्योंकि इधर राइट साइड में एक वॉल लगा है, बाकी 2 बंदे इधर फाइट कर रहे हैं शायद तक। पता नहीं यार, एक और बंदा का परफेक्ट लोकेशन तो नहीं पता है, लेकिन देखते हैं, थर्ड पार्टी करते हैं। मैं ऐसे ही फायर कर रहा हूँ, कोई बंदा इधर एम आएगा तो मतलब किल मिल जाएगा करके। ओके, एक बंदा इधर ही है भाई, ये तो मेरा स्किल ब्लॉक कर दिया यार। चलो इसको डैमेज तो दिया, लेकिन बंदे ने हेड शॉट मार दिया भाई। मेरे को अभी ना पिक करना है और अपना स्किल ओपन होने का वेट करना है भाई। ऐसे स्किल ब्लॉक में जब फाइट करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब विन कर पाना, इसलिए अभी ना वेट करेंगे थोड़ा सा। बाकी इधर से भी मैंने पिक कर दिया, क्या पता बंदा इधर उधर से मार दे या फिर नेट वगैरह फेंक दे। तो चलो यार, फाइनली इस टाइम पर मेरा स्किल तो ओपन हो चुका है, तो अभी वाल तोड़ते हैं भाई। ये बंदा तो इधर ही है यार। चलो इसको डैमेज दिया, थोड़ा बहुत तो डैमेज दिया भाई, मतलब एम नहीं जा रहा था उस पर M10 का। किधर गया भाई ये बंदा, इधर ही है। ओके, चलो इस वाले बंदे को तो मैंने काफ़ी इजीली फिनिश कर दिया। इसको लगा भाई मैं पीछे के साइड पे हूँ, मतलब उधर के साइड पे। ये बंदा टीम अप कर रहा है मेरे ख्याल से, चलो इससे टीम अप ही कर लेते हैं। और ये बंदा लॉबी में मिला था भाई, और जो बंदा मेरे से लॉबी में ही आके टीम अप करता है ना गेम में आने के बाद, मैं उसी बंदे से टीम अप करता हूँ, नहीं तो बाकी लोगों से नहीं करता। क्योंकि अभी के टाइम भाई लोग जो है वो टीम अप करके मार देते हैं और बुइया ले जाते हैं, तो उसके चक्कर में फालतू में बुइया मिस हो जाता है, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं जो बंदा लॉबी से ही टीम अप करता रहता है उसी से मैं टीम अप करता हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं कभी कभी चेक करता हूँ, मेरे को डाउट होता है। तो जैसा कि इस वाले बंदे को मैंने चेक किया, पहले तो इस पर फायर किया, उसके बाद भी बंदा टीम अप करने लग गया भाई, तभी जाके इस बंदे से मैंने टीम अप किया। नहीं तो थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो मैं एक आध दो गोली उसको मारता हूँ, पहले डैमेज देता हूँ थोड़ा बहुत, अगर उसके बाद भी बंदा टीम अप करता है ना तब जाके उससे टीम अप करता हूँ। नहीं तो फिर फाइट वगैरह, अगर वो फाइट करने को रेडी हो जाएगा तब तो अच्छी बात है यार, फाइट करेंगे दोनों और क्या। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में। दोस्तों आज हम लोग क्रैश गेम खेलने वाले हैं, जिसमें 1x हमारी मदद करेगा क्योंकि इन्होंने अपना खुद का गेम बनाया है। सो लेट्स ट्राई टू बेट 1000 रुपीज एंड आई एम श्योर कि मैं इससे कई गुना अधिक विन कर सकता हूं। मैं जितना टाइम तक वेट करूंगा उतना ही बड़ा विनिंग होगा। यह मत भूलो कि हमारा टारगेट टाइम पर रुकना है और एक्सीलेंट ऑड्स के साथ विनिंग को ठीक करना है। और मैं लगभग 4 गुना अमाउंट विन किया, मैं सच में आज लकी था। आप भी लिंक पर क्लिक करके खेलने का ट्राई कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के टाइम मेरा प्रोमो कोड DCM111 का यूज करके अपनी फर्स्ट डिपॉजिट पर 66,000 रुपीज तक बोनस प्राप्त कर सकते हैं। यू आर गोइंग टू बी लकी टूडे। बाकी इसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलो अभी
देखते हैं क्या ये बंदा जोन के बाहर में जाके मेरे को बुइया देगा क्या। ओके फाइनल ये वाला बंदा जोन के बाहर में चला गया एलिमिनेट होने और मेरे को बुइया दे गया भाई। अच्छा बंदा यार जो भी बोलो। देखो जनरली ज्यादातर यूट्यूबर क्या करते हैं, ऐसे गेम में जान पहचान के लोग मिलते हैं तो उनको बुइया दे देते, खुद जोन में जाके एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन हम थोड़े डिफरेंट टाइप के यूट्यूबर है, हम बुइया सब्सक्राइबर को देते नहीं है, उनसे बुइया लेते हैं भाई। अब ऐसा करने का रीजन भी आप लोग समझ ही सकते हो मेरे ख्याल से। बाकी बात करें हम इस वाले मैच की, इसमें देखोगे तो इस टाइम पे मेरे 7 किल तो हो चुके हैं। एक बंदा ना इधर लेफ्ट साइड में जो जोन के बाहर में, तो चलो इसको मारते हैं। भाई भाई इस बंदे ने मेरे को कितना ज्यादा डैमेज कर दिया यार, लिटरली मैं सोच भी नहीं सकता था ये बंदा मेरे को इतना ज्यादा भी डैमेज दे सकता है, क्योंकि मैं एकदम ज्यादा हाइट के एडवांटेज में हूँ। वो बंदा नीचे से भी मारा फिर भी मेरे को इतना ज्यादा डैमेज कर दिया भाई। लेकिन ये बंदा मर तो गया है, बाकी अभी देखते हैं। ये वाला बंदा इधर के साइड पे, एक बंदा राइट साइड पे है, तो मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। गाड़ी भी एक ऑप्शन है मेरे पास। बाकी ये वाला बंदा किधर है? ओके पेड़ के पास है, इसको ना मारने का ट्राई करते हैं। भाई वो पीछे वाला बंदा परेशान कर रहा है यार, क्या इसको मैं मार सकता हूँ क्या? ओके तो चलो फाइनली यार इस वाले बंदे को तो मैंने काफ़ी इजीली फिनिश कर दिया भाई। इसको पता तक नहीं चला यार ये कब बंदा मर गया। बाकी इस टाइम पे देखोगे तो मेरे 8 किल हो चुके हैं और एक लास्ट का बस बंदा और बचा है, और वो है सामने के साइड पे, मतलब इधर कंटेनर के साइड पे। तो यहाँ से काम करते हैं, एक शॉर्ट रेंज का और गन उठा लेते, क्या पता शॉर्ट रेंज का ही फाइट हो। बाकी इस वाले बंदे को मैं देखने का ट्राई कर रहा था, लेकिन ये तो छिपा बैठा है भाई, बाहर निकलेगा कि नहीं पता नहीं। चलो इसके पास MP40 है तो इसको मैंने उठा लिया है। तो ये वाला बंदा किधर है पता नहीं यार। ओके सामने के साइड पे है भाई, कितना कैंपर बंदा यार, इतना ज्यादा छिप के खेल रहा था, जैसे ही बाहर आया बंदा डैमेज किया और रश कर दिया। ओके चलो डैमेज तो दिया M10 से, MP40 से मारते हैं अभी। और चलो फाइनली इस वाले बंदे को तो देखते ही देखते मैंने फिनिश कर दिया, और इसी के साथ इस वाले गेम में मेरे को टोटल 9 किल के साथ बुइया मिला। प्लस देखोगे ना तो इस वाले मैच में मेरे को टोटल 29 का प्लस मिला, और साथ ही साथ मेरा 3 का स्ट्रिक भी लग चुका था। तो अगर बात करें हम इस वाले मैच की, तो इसमें देखोगे तो इस टाइम पे मेरे 5 किल तो हो ही चुके हैं, और लास्ट के 2 ही बंदे और बचे मेरे को छोड़ के। बाकी इस वाले गेम में मेरे को लॉन्चर ही नहीं मिला था यार। एक काम करते, उसको छोटू लॉन्चर बोलते हैं, क्योंकि मिनी लॉन्चर तो मैं ये RGS-15 को बोलता हूँ, उसको को लॉन्चर बोलते हैं, और इसको मिनी लॉन्चर, क्योंकि ये सबसे मेरे को भी थोड़ा इजी रहेगा, मतलब इनका नेम प्रोनाउंस करने में। कहा उतना ज्यादा लंबा चौड़ा नेम लेते रहोगे भाई, इससे अच्छा अपना शॉर्टकट नेम बना लेते हैं। तो इसको आज से हम लोग छोटकू लॉन्चर बोलेंगे, या फिर छोटू लॉन्चर जो भी है ऐसे वर्ड से इसको प्रोनाउंस करेंगे। बाकी अपना ये RGS-15 इसको तो हम मिनी लॉन्चर बोलते ही बोलते हैं। तो चलो अभी देखोगे ना तो मेरे को छोड़ के 2 बंदे और बचे, और एक बंदा भाई कब से गाड़ी चलाए जा रहा है, और मैं देख रहा हूँ वो बंदे इधर के साइड से गाड़ी लेके जाएगा तो मैं जोन में आऊंगा, और ये बंदा जस्ट मेरे सामने ही आ गया है भाई गाड़ी लेके, और मेरे को उड़ा भी दिया, और हेल्थ भी काफी ज्यादा मेरा कम हो गया है भाई। और ये वाला बंदा सीधा रश कर दिया, तो पिक करते हैं और मेडिकिट लगाते हैं भाई, और देखते हैं ये बंदा आखिर क्या करने वाला है। वाल मेल्टर बस ना डाले भाई, क्योंकि ऐसे में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं सेंटर में फंस गया हूँ दोनों बंदों के। तो एक काम करते, जितना जल्दी हो सके इस वाले बंदे को रश करके फिनिश करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो फिर ये दोनों मेरे को जीने नहीं देंगे। ये पीक देगा क्या? ओके ये बंदा पिक कर लिया क्या? चलो फाइनली इसको तो मैंने स्काइलर मार के काफी इजीली फिनिश कर दिया। इस टाइम पे मेरे पास स्काइलर था, जिसका मैं काफी अच्छा यूज किया, मतलब सामने वाले बंदे को मारने के लिए। तो अभी ना ये वाले एक लास्ट का बस बंदा और बचा है, बस इसको मारना है और बुइया लेना है। भाई इसने तो मेरा स्किल ब्लॉक कर दिया यार, तो अभी ना इधर पिक करते और स्किल आने का वेट करते, तब जाके इस वाले बंदे से फाइट लेंगे। मतलब कि इजी रहेगा ना ऐसे, स्किल ब्लॉक होने से थोड़ा सा फाइट को इग्नोर किया करो, क्योंकि वैसे में सामने वाले बंदे को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज रहता है, तो आपके हाथों से बुइया मिस भी हो जाता है। और चलो अभी देखते हैं, जोन भी आ रहा है, मेरा स्किल भी आ चुका है। और चलो फाइनली इस वाले बंदे को मैंने काफ़ी इजीली तो नहीं, लेकिन जैसे तैसे करके फिनिश कर दिया भाई। मेरा हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था, उस वाले बंदे ने मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था, और इसमें देखोगे तो मेरे को 26 का प्लस मिला। तो अगर बात करें हम इस वाले मैच की, तो इसमें देखोगे तो इस टाइम पे मेरे 3 किल तो हो ही चुके हैं, और सामने के साइड पे एक बंदा है भाई, ये गाड़ी पकड़ लिया यार। मैं सोच रहा था इसको गाड़ी से उड़ा दूंगा, लेकिन नहीं, ये बंदा तो गाड़ी वापस से पकड़ लिया भाई। और इधर के साइड पे कोई बंदा M60 चला रहा है, गाड़ी तोड़ रहा है भाई। तो चलो इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया है। वो वाला बंदा भी थोड़ा देर तो नहीं निकलेगा, मेडिकिट वगैरह करेगा। इसका गाड़ी चलो फाइनली टूट गया भाई, उसका गाड़ी लास्ट एमओ में टूटा यार, लिटरली वो आउट ऑफ रेंज भी चला गया था, लेकिन लास्ट एमओ में उसका गाड़ी टूटा।
बाकी इस टाइम पे एक बंदा तो मर चुका है, एक बंदा लेफ्ट साइड में और एक बंदा होना चाहिए राइट साइड में, जो वही बंदा है जो गाड़ी लेके गया है, या फिर वही बंदा मरा क्या पता नहीं यार, लेकिन देखना पड़ेगा। एक बंदा तो लेफ्ट साइड में इतना मेरे को पता है, तो इसका ना जोन में आने का वेट करेंगे, या फिर मेरे को भी जोन में जाना चाहिए यार, काफ़ी दूर बना है तो थोड़ा सा भी ना होल्ड करते हैं। ओके ये बंदा दिख रहा है भाई, ये तो इसको मारते रुके, तो गाड़ी पकड़ रहा है भाई। भाई ये बंदा मेरा ऑर्डर किया हुआ गाड़ी पकड़ ली, इससे पहले मैं ही पकड़ लेता हूँ भाई, नहीं तो चोरी हो सकता था। ये बंदा लिटरली मास्टर ट्रक में बैठने ही वाला था मेरे ख्याल से, ये वापस से उतर गया, ये M60 मार के मेरा गाड़ी तोड़ने वाला है, लेकिन ये मौका इसको मैं दूंगा नहीं। सामने वाला बंदा परेशान कर रहा है भाई, ये डैमेज दे रहा है, तो इसको उड़ाने का ट्राई करते हैं भाई, तत्सुया है यार। ओके चलो 188 का डैमेज गया बंदे को, और चलो फाइनली इस वाले बंदे को मैंने फिनिश कर दिया भाई। अभी इस टाइम पे मैं रिस्क लेके मिनी लॉन्चर से, मतलब छोटू वाले लॉन्चर से मैं चाहता तो इसको फिनिश कर सकता था, क्योंकि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डैमेज था, एक दो गोली मारता तो बंदा मर जाता, लेकिन नहीं मैं रिस्क नहीं ले सकता भाई, मेरे को भुइया चाहिए यार, मतलब कि ये वाला बंदा थर्ड पार्टी कर सकता था और मेरे को भी फिनिश कर सकता था, तो उसके चलते मैंने रिस्क नहीं लिया, नहीं तो वो वाला किल तो मेरे को मिल ही जाता छोटू लॉन्चर से। यार मुझे लगता है इस वाले बंदे को ना कुछ ज़्यादा ही शौक है गाड़ी चलाने का, लेकिन इसका गाड़ी तो मैंने तोड़ दिया। अभी फेक नेट का ट्राई करते हैं, ओके रस कर रहा है बंदा, मेरे को लगा ही था यार ऐसे नेट करूँगा तो बंदा रस करेगा, अगर रस नहीं करता तो फिर नेट को ही फेंक देता। ओके चलो डैमेज दिया वो बंदा, लेकिन अच्छा खेल रहा है भाई, जो भी बोलो यार, काफ़ी ज़्यादा मेरे को घुमा रहा है, और ये वाला बंदा UMP भी चला रहा है, तो थोड़ा बहुत मेरे को डर भी लग रहा है, क्योंकि UMP वाले बहुत ख़तरनाक हेडशॉट मारते हैं भाई, इसलिए वो लोग UMP चलाते हैं, बाकी क्या ही कर सकते। ये बंदा थोड़ा सा मेरे से लॉन्ग रेंज बना रहा है, मतलब मिड रेंज बना रहा है, क्योंकि मेरे पास M10 और उस वाले बंदे के पास है UMP, तो इसका मौका तो उसको देंगे नहीं, हम तो शॉर्ट रेंज में घुस के इसको मारेंगे, क्योंकि मेरे पास M10 है, और ये वाला बंदा रस करेगा तो मारेंगे। ओके तो चलो फाइनली इस वाले बंदे को जैसे तैसे करके मैंने फिनिश कर ही दिया भाई, और इसी के साथ इस वाले गेम में मेरे को टोटल 5 किल के साथ भुइया मिला, प्लस देखोगे तो इसमें मेरे को 26 का प्लस मिला। तो चलो अगर बात करें हम इस वाले मैच की, तो इसमें देखोगे ना तो इस टाइम पे मेरे 8 किल हो चुके हैं, बाकी लास्ट के दो बंदे और बचे मेरे को छोड़ के, और एक बंदा ना राइट साइड में है और एक बंदा लेफ्ट साइड में है। अब ये राइट साइड वाला काफ़ी दूर है यार, जोन के साइड पे, ओके जोन में आ गया, इसको मारते हैं भाई पीक लेके। ओके इतना ज़्यादा मारने के बाद भी बंदा नहीं मरा भाई, चलो लॉन्चर मार के मैंने इसको डाउन तो कर दिया, मतलब कि मेरे को एक किल मिलने वाला है भाई छोटे लॉन्चर से। तो अभी एक लास्ट का बस बंदा और बचा है जो इधर है। ओके तो चलो इस वाले बंदे को तो मैंने काफ़ी इजीली फिनिश कर दिया भाई, मतलब उसको तो हेड लगना जाहिर सी बात है, हेड लगेगा ही लगेगा भाई, इतना नीचे था और हेड ही दिख रहा था बंदे को, और इसमें मेरे को 29 का प्लस मिला। तो चलो अगर बात करें हम इस वाले मैच की, तो इसमें देखोगे तो इस टाइम पे मेरे 6 किल तो हो ही चुके हैं, और मेरे को आ गया था थोड़ा सा कॉल, तो आपको इन गेम साउंड नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब इस वाले बंदे को देखो भाई, मतलब अच्छा खासा ये बंदा गाड़ी से घूम रहा था, लास्ट जोन में ये हरकत करने का क्या ज़रूरत है, इसको पता नहीं यार ऐसा क्यों किया, मे बी वो बंदा सभी बंदों का लोकेशन पता करना चाहता था ऊपर से। तो चलो अभी देखते क्या होता है। वैसे उधर के साइड पर फाइट तो स्टार्ट हो चुका है, तो सामने के साइड ही हम लोग भी चलते हैं, क्योंकि क्या पता इधर से थर्ड पार्टी करने का मौका मिल जाए और इससे अपना किल भी हो जाएगा, और तो ट्राई करते हैं कोई बंदा दिखेगा तो मारेंगे। वैसे घर के अंदर तो भयंकर वाला युद्ध चल रहा है भाई, लेकिन कोई बंदा मर भी नहीं रहा है, और मैं अपना लॉन्चर एमो भी वेस्ट कर दिया 2-3। बाकी इस वाले बंदे को ना मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया भाई, एक बंदा नहीं इस वाले घर के अंदर है, लेकिन इसको डैमेज ही नहीं जा रहा है यार। चलो ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं, वेट करते हैं। और क्या, एक बंदा राइट साइड में ऊपर के साइड पे, और इसका लोकेशन किधर है पता नहीं, मैं तो ऐसे ही स्कोप करके फायर कर दिया भाई, ताकि अगर कोई बंदे पे एम गया तो उसको डैमेज चला जाएगा। बाकी अभी इस टाइम पे ना इन दोनों बंदों पे फोकस करना है मेरे को, क्योंकि इन दोनों को जोन में जाना है, तो इसका किल ले सकता हूँ। इधर एक बंदा है भाई, इसने मेरे को कितना ज़्यादा डैमेज कर दिया भाई, अभी के टाइम पे लोग इतना ज़्यादा डैमेज कर देते हैं ना, 4 का वेस्ट भी कुछ नहीं रहता। बाकी एक बंदा मेरे पे रश कर रहा है। ओके तो चलो फाइनली इस वाले बंदे का स्किल ब्लॉक करके तो इसको मैंने काफ़ी इजीली फिनिश कर दिया। ये वाला बंदा भी रस करने आ रहा है भाई, वो कॉन्ग बन के। ओके चलो इसको डैमेज तो दिया हूँ काफ़ी ज़्यादा, और चलो फाइनली देखते ही देखते इन दोनों बंदों को मैंने फिनिश कर दिया भाई, मेरे पे रस कर रहे थे यार ये दोनों। अभी ना एक लास्ट का बस बंदा और बचे, जो कि जस्ट मेरे सामने पेड़ के पीछे, इस पर ना पीक लेते हेडशॉट मारेंगे।
लगा तो है हेडशॉट लेकिन 86 का ही लगा। इसके पास भी वुकोंग है भाई, इसका वुकोंग तोड़ते हैं। और फाइनली चलो हेडशॉट, लास्ट में हेड लगा है भाई, बंदा डाउन हो चुका है भाई, ये तो खड़ा हो गया भाई। चलो फाइनली इसको मैंने जैसे तैसे करके फिनिश कर दिया भाई। लेकिन ना ऐसे करते करते कभी कभी क्या होता है, सामने वाला वो बंदा उठ के आपको मार देता है। ऐसा मेरे साथ एक दो बार हुआ है कि उसको मैं रिवाइव होने दे रहा होता हूँ और सामने वाला बंदा उठ के मेरे को मार जाता है। तो फिर चलो यार, यही था आज का वीडियो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको दिल से धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।